दोस्तों, रॉकेट एक ऐसा वायुयान है जिसको किसी भी वातावरण में उड़ाया जा सकता है। रॉकेट को एरोप्लेन की तरह उड़ान भरने के लिए हवा की आवश्यकता नहीं होती। यह धरती के वातावरण या किसी अन्य वातावरण में उड़ सकता है। धरती के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एरोप्लेन बनाया गया था, लेकिन धरती से बाहर के वातावरण में जाने के लिए यानी अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट का आविष्कार हुआ था। रॉकेट के आविष्कार ने विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति लाकर खड़ी कर दी। रॉकेट के आविष्कार से नई नई खोज हुई। वैज्ञानिक ने धरती के बाहर बहुत ही रिसर्च की और दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने की कोशिश कर रहे हैं। रॉकेट ने ही धरती के मानव को चंद्रमा तक पहुंचाया है। रॉकेट एक ऐसा वायुयान है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को लांघते हुए बाह्य अंतरिक्ष तक पहुंचाता है। यही एक रॉकेट यान है जिसे अंतरिक्ष में यात्रा कर सकते हैं। कहा जाता है कि भविष्य में यह यान आदमी को सौरमंडल के सभी ग्रहों तक पहुंचा देगा और आगे यही यान आदमी को दूसरे तारों के ग्रहों तक या आकाशगंगा की दूरस्थ सीमाओं तक भी लेकर जा सकेगा। और रॉकेट को उड़ाने का सिद्धांत न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्रिया तथा विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है। रॉकेट के अंदर तरल ऑक्सीजन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ईंधन को जलाया जाता है तो जिसमें उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है और यह गैस आग के रूप में पूरे दबाव में पीछे को निकलती है और इतने दबाव में प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट को बहुत तेज वेग से आगे की ओर यानी ऊपर की ओर ले जाती है। और यदि रॉकेट का आविष्कार नहीं होता तो मानव आज अंतरिक्ष में नहीं जा पाता। उनका अंतरिक्ष में जाने का सपना एक सपना ही रह जाता। आइए जानते हैं रॉकेट का आविष्कार किसने और कब किया। सबसे पहले रॉकेट का इतिहास 13वीं सदी से शुरू होता है। सबसे पहले रॉकेट का आविष्कार चीन में हुआ था और शुरू में रॉकेट का इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जाता था। सबसे पहले रॉकेट का इस्तेमाल सन 1932 में किया गया था और कहा जाता है कि मंगू लड़ाकों के द्वारा रॉकेट टेक्नोलॉजी यूरोप में पहुंची थी और फिर विभिन्न शासकों द्वारा यूरोप और एशिया के अन्य भागों में भी यही तकनीकी प्रचलित हुई। और कहा जाता है कि सन 1992 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने अंग्रेज सेना के साथ युद्ध के समय उनके विरुद्ध दल लोहे के बने रॉकेट का प्रयोग किया था। अंग्रेजों ने यह चीज इसके पहले कभी नहीं देखी थी और वे घबरा गए थे। आखिरकार युद्ध में उनकी हार हुई। बाद में अंग्रेज सेना ने रॉकेट के बारे में जाना और उसके महत्व को समझा और इसकी टेक्नोलॉजी को विकसित कर विश्व भर में इसका इस्तेमाल अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए किया। सन 1926 में रॉबर्ट गोडार्ड ने दुनिया का पहला तरल ईंधन रॉकेट शुरू किया था और 16 मार्च 1926 को ओबर मैसाचुसेट्स पर दुनिया का पहला तरल ईंधन रॉकेट प्रक्षेपण था, जो 60 मील प्रति घंटा दूर लैंडिंग 41 फुट और 184 फुट की ऊंचाई तक पहुंच गया। रॉकेट 10 फीट लंबा था और इसमें ईंधन के लिए तरल ऑक्सीजन और पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। रॉकेट को धरती से उठाकर अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए ऊर्जा के निर्माण की जरूरत होती है और रॉकेट इंजन यही कार्य करता है। सन 1907 में बारूद रॉकेट में निर्माण किया गया, जिनका उपयोग युद्धों में एक खतरनाक हथियार के रूप में किया जाता है। आज कई तरह की अत्याधुनिक तोपों से भी रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और भविष्य में भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और हम अपनी नई वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं ये भी आप बता सकते हो। और दोस्तों, अंत में बस इतना ही। यदि हमारे आसपास कोई परेशान दिखे और हम उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं तो उसकी परेशानी तुरंत दूर कर दें। फिर देखना दोस्तों, आपको ऐसा सुकून मिलेगा जो अनमोल होगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।